जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, और आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन देना चाहती हूँ। और आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट VMO। नाउ यू विल बी जस्ट वंडरिंग दैट व्हाट VMO इज़ बेसिकली। सो लेट मी जस्ट डिस्कस यू एंड जस्ट लेट यू नो अबाउट VMO। वी इज़ कॉल्ड एज अ विजन, एंड M इज़ इक्वल टू एज अ मिशन, एंड O इज़ इक्वल टू एज एज एन ऑब्जेक्टिव। ओके, सो यू कैन जस्ट राइट डाउन, एंड आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ये मैं आपको एक मोटिवेशन और मैसेज ऑफ अवेयरनेस, ये दोनों जो है आपको देना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप जो है इसको नोट डाउन करें, और अपने मिशन और विजन को मैंशन आउट करें, अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें। और आपको मालूम होना चाहिए कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। अगर नहीं मालूम, सो फाइंड आउट योर इंटरेस्ट एंड पैशन, एंड आप अपना मकसद फाइंड आउट करें कि आप क्यों आए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे देखे गए हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन एट द एंड उनको यही नहीं पता होता कि वो दुनिया में आए क्यों थे। तो प्लीज़ आप लोग या मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद ना करते खुदा ना खास्ता। तो हमें चाहिए कि हमें मालूम हो एटलीस्ट कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। अगर हम जिंदा हैं तो क्यों जिंदा हैं, वाई एम आई अलाइव। ऑब्वियसली कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई काम लेना है, हमारे रब ने हमसे किसी मकसद से हमें भेजा है। तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि हमें मालूम होना चाहिए, वी नीड टू फाइंड आउट द पर्पस ऑफ आर लाइफ एज वेल एज द विजन। पर्पस अपनी ज़िंदगी का हम फाइंड आउट करें, हमारे बींग मुस्लिम, हमारे जो है दीन में भी हमारा एक जो है मोड ऑफ लिविंग बता दिया गया है। उसके साथ साथ हमें खुद भी अपने इंटरेस्ट और पैशन को लेके चलना होता है, और मालूम करना होता है कि हमारी जो ज़िंदगी का बेसिक मकसद है वो क्या है, और हमें अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है। तो प्लीज़ आज आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, विजन बना अपना। विजन अब मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। विजन आपका कोई भी हो सकता है। विजन यानी कि आप क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का विजन होता है, विजन होता है कि वो गुर्बत ख़त्म कर दें, गुर्बत का खात्मा करें। बहुत सारे लोगों का होता है कि जो है हम तालीम को जो है आम करें या मुफ्त तालीम करें। किसी का विजन ये होता है कि हम जो है हॉस्पिटल में हॉस्पिटल बनाएं, और जो है लोगों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रीटमेंट दें। इसी तरीके से डिफरेंट लोगों के डिफरेंट जो है एक विजन्स होते हैं। और आई हाईली अप्रिशिएट कि जिन लोगों को उनके एटलीस्ट विजन पता होते हैं, बेशक वो उस चीज़ को खुदा ना खास्ता हासिल नहीं भी कर पाए, बट एटलीस्ट इफ़ दे नो अबाउट इट एंड इफ़ दे आर जस्ट वर्किंग हार्ड टू जस्ट अचीव देयर गोल्स, तो वो काफ़ी बेहतर हैं। दे आर वेरी वेल सेटल्ड, और आई कैन से आई मस्ट से कि वो बहुत अच्छे और समझदार लोग हैं, रैदर देन के वो लोग जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनका मकसद लाइफ का क्या है। सेकेंडली, आपने अपना विजन फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैं अपना बता देती हूँ, मेरा विजन जो है लाइफ का वो ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो आज तक मैंने सीखा, सबसे पहले मेरा विजन ये है कि मैं अपने आप को खुद को हर रोज़ हर लम्हा सुधारूँ। सुधारने से मुराद ये, जो गलतियाँ जो गुनाह जो एक लम्हा पहले भी मैंने की, एंड आई हैव टू रियलाइज़ दैट कि ये मेरी मिस्टेक है। एंड व्हेन आई रियलाइज दैट ये मेरी मिस्टेक है, तो मुझे उसको सही करना है, और दोबारा एटलीस्ट मुझे उसे नहीं दोहराना। ये मेरा मैंने विजन बनाया है। बहुत सारे लोगों के डिफरेंट होते हैं, लेकिन मेरा ये है, और मैं इस पर काम भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से। एटलीस्ट आई डोंट रिपीट नाउ दोज मिस्टेक्स जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ये चीज़ मैंने सीख ली, और अपना मैंने इसका एक मकसद बना लिया ज़िंदगी का कि मुझे वो गलतियाँ एटलीस्ट ज़िंदगी में नहीं दोहरानी जो कि मैं गलती कर चुकी हूँ और मुझे रियलाइज़ हो गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने आप को बेहतर करना चाहती हूँ, इस कोशिश में लगी हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये भी रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, ये मेरी गलती है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपने अपना ज़िंदगी का कोई भी मकसद बनाने के लिए पहले आपको ये एक अहद करना होगा खुद से कि आप अपनी हालत बदलना चाहते हैं। क्योंकि रब भी, अल्लाह ताला भी उस इंसान की, उस शख्स की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो इंसान ये वो शख्स खुद अपनी हालत ना बदलना चाहे। तो अपने विजन में अपनी हालत बदलना और अच्छाई की तरफ बदलना, ये एक विजन आप बना सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, बाकी आपकी मर्जी। इसके साथ साथ सेकेंडली के दूसरा जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट विजन है, जिसमें मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट अपना नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस लोगों में बांट देना, शेयर कर देना, कोई चीज़ अपने दिल में एज अ राज या सीक्रेट नहीं रखना। बीइंग प्रोफेशन, लाइक बी बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी सालों से इस फील्ड में हूँ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, सीखी, समझी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। वो सारी चीज़ें देखते हुए मैं अपनी नॉलेज एक्सपीरियंसेस लोगों को शेयर कर देती हूँ। और आई हैव बीन जस्ट डूइंग दिस वर्क फॉर सो लॉन्ग, लाइक अब
अपने फेसबुक शोज़ के थ्रू, अपने जो है यूट्यूब चैनल के थ्रू आप देख सकते हैं कि मैसेज ऑफ अवेयरनेस या 2 मिनट्स मोटिवेशन की सीरीज़ आप देखें, उसमें यही सब कुछ है। मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम एक्सपीरियंसेस, राज, सीक्रेट, सारी चीज़ें, जो चीज़ें मैंने सीखी या सीख रही हूँ या जिन चीज़ों से मुझे नुकसान हुआ और किसी और का नुकसान ना हो, मैं वो चीज़ें ट्रेन कर रही हूँ, आपको मैसेजेस दे रही हूँ। तो ये मेरा एक विजन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको विजन क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको अपना बता दिया, इसी तरीके से आप अपना विजन बना सकते हैं और अपनी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। सेकेंडली VMO में विजन, विजन के बाद आपका सेकेंड आ जाता है M में मिशन। अच्छा, अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन? मिशन इज़ ऑल अबाउट कि जो आपका विजन है ना, उसको बनाने, यानी आपको आपका अभी लाइफ का गोल सेट हो गया, आपको पता है कि आप ज़िंदगी में क्यों आए हैं, यू फाउंड योर पर्पस ऑफ योर लाइफ, और आपने अपनी ज़िंदगी का एक गोल बना लिया कि हाँ मैं इसलिए ज़िंदा हूँ, मैंने जो है ये काम करना है। अब ऑब्वियसली उन कामों को करने के लिए जो स्ट्रैटजीज़ आपने लाहे अमल में जो लानी है चीज़ें, वो आप एज ए मिशन आपने बनाना होगा, एक मिशन आपने तैयार करना होगा पूरा। तो मिशन आपका ये होना चाहिए कि लेट सपोज आपको पता है कि आपने मैं अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। अब मैं अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस कैसे शेयर करूँ? कोई तो मीडियम होना चाहिए। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल वर्ल्ड है, तो आई हैव बीन डूइंग थ्रू माई फेसबुक सेशंस एंड लाइक माई यूट्यूब चैनल, लेकिन इसके अलावा और क्या? तो लेट सपोज अगर मैं चाहूँ कि मैं एक अपना इंस्टीट्यूट बनाऊँ और मेरा एक इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, क्योंकि मेरी फील्ड या मेरे विजन के हिसाब से आपको बता रही हूँ, तो फिर मैं अपना एक इंस्टीट्यूट बनाऊँगी ताकि मैं वहाँ या तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे सकूँ, या फिर ट्रेनिंग दे सकूँ, या लोगों का भला कर सकूँ, जो कि मैं चाह रही हूँ, जो मैं अपने चैनल के थ्रू कर रही हूँ, वो मैं वहाँ स्टूडेंट्स को बुला के भी उनकी सेल्फ डेवलपमेंट या ग्रूमिंग पर काम करूँ। तो ये मेरा जो है मिशन हो गया, ठीक है। अब उस मिशन को पाने के लिए जो आपने गोल्स बनाने हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें लाहे अमल में लानी है, वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे कि आपने एक टारगेट बनाना है कि ये चीज़ आप 5 साल में अचीव कर सकते हैं, तो 5 सालों को कन्वर्ट करना है आपने साल में, साल को कन्वर्ट करना है आपने मंथ्स में, मंथ्स को कन्वर्ट करना है आपने जो है वीक्स में, और वीक्स को कन्वर्ट करना है आपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में। व्हेन यू कन्वर्ट दीज थिंग्स, तो आपको अपना गोल जो अचीव करने में हेल्प आउट करेगा, वो आपको ऑब्जेक्टिव होगा। आपको पता होगा कि ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आपने जो है डेली बेसिस पे ये काम करने हैं। जब आप इस तरीके से बेबी स्टेप्स लेके ये काम करते रहेंगे, डेली वॉक टू लाइक वीकली, वीकली वॉक टू मंथ्स, मंथ्स कन्वर्ट इन टू ईयर्स, ईयर एंड ईयर कन्वर्ट इन टू ईयर्स, एंड व्हेन एवरीथिंग हैज़ बीन कन्वर्टेड, तो फिर आपका अपना गोल अचीव होने में जो आपका विजन है, जो आपका मिशन है, या जो ऑब्जेक्टिव है, जो सब एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, तो वो आपको ईजीली आप अचीव कर सकते हैं। और आपको आई होप ये वीडियो, ये चीज़, ये मैसेज आपको इन्फॉर्मेटिव और जो है नॉलेजेबल लगा होगा। प्लीज़ इस पर एक बार ज़रूर काम करें, प्रॉपर अपनी एक लिस्ट तैयार करें, अपना VMO बनाएं, विजन बनाएं। आपको मालूम होना चाहिए आपका विजन क्या है, उसके लिए आपने मिशन बनाना है, मिशन को पाने के लिए जो आपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, जिस पर काम करना है, उस कन्वर्जन को बनाएं और डे टू डे एक्टिविटी करें, और आज से ही वो काम करें। यानी कि अगर आपने 5 साल आपने कोई चीज़ बनानी है और आपका टारगेट है कि आपने 5 साल बाद वो चीज़ बनानी है, उस 5 साल के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, लाहे अमल क्या है, आपने कौन से बेबी स्टेप्स लेने हैं, जो डेली आपने वीकली करने हैं, वीकली आपने फिर मंथली करने हैं, और मंथली फिर ईयर में जाएंगे। आई होप कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि किन किन ने ये पूरा VMO लिख लिया, बना लिया, एंड प्लीज़ राइट डाउन डन इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बड़ी खुशी होगी। और इसके साथ साथ इस पर काम भी करें, सिर्फ लिखना बनाना